इंडियन हर्बल हेरिटेज उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। प्रतिदिन 70 से 100 बाल झड़ने नॉर्मल हैं। किसी भी समय जब आप ऑयल अप्लाई करते हैं तो आपके बाल ज़्यादा निकलते हैं कंघी में, ऐसा आप कहते हैं और ऐसा होता भी है। आप शैम्पू करते हैं तो पानी के गीलेपन से भी बाल ज़्यादा निकलते हैं, और कंघी करते वक्त दिन भर में 2 बार कंघी करते वक्त कुछ बाल आपके ज़मीन पर गिर जाते हैं जो झड़ते हैं, और कुछ आपके कंघी में रह जाते हैं। तो ये 70 से 100 बाल रोज़ाना झड़ना नॉर्मल है, क्योंकि प्रतिदिन आपकी नई जड़ें उन बालों को जो पुराने हो चुके हैं जिन्हें गिरना है उन्हें पुश कर देती हैं आपके एपिडर्मिस पर, आपके स्कैल्प की ऊपरी सतह पर नई जड़ें पुराने बालों को पुश कर देती हैं, और वो आपके तेल से, आपके पानी के गीलेपन से गिर जाते हैं, या आपके कंघी करने के फोर्स से वो गिर जाते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, और नए बाल उतने ही रोज आ जाते हैं। इसीलिए चाहे 100 बाल रोज गिर रहे हैं फिर भी आपके बालों पर कोई भी असर नहीं आ रहा है, उनके घनेपन पर, आपके स्कैल्प पर उतने ही बाल आप रोज देखते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि तैयारी आपका स्कैल्प खुद ब खुद कर लेता है आपके बालों के यथावत बने रहने की, अगर आप उसका साथ देते हैं तो। लेकिन मानसून में बाल ज़्यादा क्यों झड़ते हैं, और मानसून दर मानसून क्या आपके बाल कम होते जा रहे हैं, ऐसा आप देख रहे हैं? तो ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए जानना, इससे आप गलतियां नहीं करेंगे, और जो सावधानियां आप बरतेंगे उससे आपके बाल शायद वापस भी आ जाए। हेलो एवरीवन, आई एम मेधा सिंह फ्रॉम जुवेना हर्बल्स, एन एस्थेटिशियन एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड योर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। तो मानसून में बाल क्यों झड़ते हैं, हम पीछे चलते हैं ठंड के मौसम में। ठंड में हम धूप में बैठते हैं, हमें धूप बड़ी अच्छी लगती है, आधा एक घंटा तो बड़ी नॉर्मल सी बात है मैक्सिमम लोगों के धूप में बिताने की। ठंड की एक घंटे की धूप इज इक्वल टू गर्मी की 20 मिनट की धूप। गर्मी में बहुत प्रखर धूप होती है और ठंड में धूप क्षीण होती है, लेकिन आप वॉल्यूम में उसे ले लेते हैं। हमारी त्वचा में जान है, इट्स लाइव, आवर स्किन इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड इट इज लाइव, लेकिन हमारे बाल बेजान हैं। धूप का असर जब हमारी त्वचा पर पड़ता है तो इसमें मेलानिन पिगमेंट बढ़ जाता है और झाइयाँ आ जाती हैं, टैनिंग हो जाती है, लेकिन बाल हमारे बेजान हैं, तो जब इस पर धूप पड़ती है तो मॉइस्चर डिप्लीट होता है। इसकी ऊपरी परत, एक एक बाल की ऊपरी परत क्यूटिकल है, तो यूवी रेज उसे अपलिफ्ट करती हैं, कमज़ोर कर देती हैं, और मेलानिन पिगमेंट इसका डिप्लीट होता है मॉइस्चर के साथ साथ, मतलब प्रोटीन के साथ साथ मॉइस्चर डिप्लीशन। और जितने भी आपके बाल, अगर आपके बालों का कलर ओरिजिनल कलर ब्राउन है तो वो फेडेड ब्राउन हो जाएगा, जेट ब्लैक है तो वो फेडेड सा ब्लैक ग्रेइश की तरफ आपको दिखाई देगा, और एक एक हेयर पतला हो जाएगा। तो धूप बालों को ऐसे बर्बाद करती है, और आप ठंड में बालों को कोई प्रोटेक्शन तो देते नहीं है, बालों को तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है। आप हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं, बालों के लिए नहीं। तो जब आप ड्राइव नहीं करते हैं, आप बाइक पर नहीं हैं, तो आप बाल बिल्कुल खुले छोड़कर चलते हैं। आप महिला हो चाहे पुरुष हो, ठंड में धूप से अपने बालों को सताना ये आप सब करते हैं। फिर आपकी मर्जी है ठंड के मौसम में कि आप शैम्पू करना पोस्टपोन करें, तो गंदगी, डैंड्रफ सब कुछ आपके स्कैल्प पर जमा है, चूंकि ठंड है तो एहसास नहीं होता है, तो उसकी वजह से आपका स्कैल्प कुपोषण का शिकार हो जाता है। और जब आप कंघी करते हैं वो गंदगी सारी आपके बालों पर भी आती है, तो बालों में भी पोषण की तो कमी होती ही होती है, इन्फेक्शन भी उस पर आता ही है, और बाल आपके इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं क्योंकि वो डेड है। ये ठंड में की जाने वाली गलती कि आपने शैम्पू नहीं किया। जब आप शैम्पू समय से नहीं कर सकते तो आप ऑयलिंग क्या करेंगे, आप सॉफ्ट एक्सफोलिएशन कैसे देंगे बालों को, है ना? आप नहीं लगाएंगे क्योंकि ठंड है, आप हेयर हेल्थ पैक नहीं लगाएंगे क्योंकि ठंड है, आपके पास बहुत सारे बहाने हैं। फिर ब्लोअर, हीटर, ये सारे एक्सपोजर आपके बालों को पूरा पूरा मिला है, तो उसकी वजह से मॉइस्चर डिप्लीट हो गया। अब आप कहेंगे हमारे पास तो ऐसा ब्लोअर है जिसमें मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर कंट्रोल भी करता है और मॉइस्चर एयर में बनाकर रखता है, लेकिन जो आपने गलतियां की उसका क्या? इसके अलावा गर्म पानी से आपने बालों को धोया ठंड में, और आपके पास उसका जस्टिफिकेशन है, गर्म नहीं बस गुनगुना गुनगुना पानी, गर्म पानी आपके सहन शक्ति के अनुसार उसकी परिभाषा होती है। मेरे लिए
जो गर्म है वो आपके लिए गुनगुना हो सकता है। तो ये परिभाषा पर्सन टू पर्सन वैरी करती है और उसी हिसाब से आप गर्म पानी का यूज़ करते हैं। जबकि बालों को नॉर्मल टैप वाटर से, ठंड हो चाहे गर्मी हो, नॉर्मल टैप वाटर से ही वॉश करना चाहिए। और ठंड में तो आप गर्म पानी से वॉश करते हैं तो जितना बचा खुचा मॉइस्चर उसमें है वो भी डिप्लीट हो जाता है और गर्म पानी से क्यूटिकल अपलिफ्ट हो जाता है। पीपीडी, पीटीडीएस केमिकल, क्यूटिकल हेल्थ, ये वीडियोस जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर हैं, इन्हें अवश्य देख लीजिएगा क्योंकि मैं बार बार क्यूटिकल ये टर्म मेंशन कर रही हूँ और आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि क्यूटिकल अपलिफ्ट होना मतलब क्यूटिकल के ठीक नीचे जो कॉर्टेक्स है जहाँ पर कलर पिगमेंट की सेल्स हैं हमारे बालों में जो हमारे बालों के कलर को निर्धारित करती हैं, वहाँ तक गर्म पानी पहुँच जाता है और जितने भी दुष्परिणाम सूर्य के हैं, सूर्य की किरणों के हैं, वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए कलर पर असर आता है और असमय बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं ज़्यादा एक्सपोजर से। अब ठंड बीत गई, ये गलतियाँ आपने की और इसके साथ साथ आप हेयर कलर तो कर ही रहे थे क्योंकि उससे तो कोई परहेज नहीं है। चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, कोई फंक्शन अटेंड करना है तो बाल तो काले नज़र आने ही चाहिए, ये कंपलसरी है, चाहे कुछ हो ना हो लेकिन ये ज़रूरी है। तो क्या हुआ, पीपीडी, पीटीडीएस केमिकल्स ने आपके बालों को और ज़्यादा डैमेज कर दिया। बाकी डैमेजेस आप खुद कर रहे थे, दे रहे थे बालों को, इसने और भी ज़्यादा डैमेज कर दिया। अब गर्मी आ गई, गर्मी में थोड़ा सा एक्सपोजर धूप का, आपने चेहरे को तो सनस्क्रीन से कवर कर लिया लेकिन बालों को तो आप कवर नहीं करते। ठंड के हुए मॉइस्चर डिप्लीशन का असर गर्मी में और बढ़ जाता है इस वजह से, और वहां पर तो मॉइस्चर डिप्लीट हो ही चुका था। प्री कंडीशनिंग, पोस्ट कंडीशनिंग की आपकी आदत ही नहीं है या सिर्फ एक ही कंडीशनिंग आप बालों को देते हैं। प्री कंडीशनिंग होती है शैम्पू के पहले की जाने वाली कंडीशनिंग जो रिपेयर करती है आपके बालों को। उसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो 20 मिनट में आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चर देकर रिपेयर वर्क काफ़ी हद तक कर देते हैं। उसके बाद शैम्पू करना है और फिर उसके बाद फिर से आपको मॉइस्चर जो है उसकी एक लेयर बालों को देनी है, तो उसके लिए आपको पोस्ट शैम्पू कंडीशनर की आवश्यकता है। अब दोनों कंडीशनर्स कैसे होने चाहिए, हेयर सीरम पर वीडियो है जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर, वो देख लीजिएगा। और वेबसाइट www.juvenas.com पर जाकर हमारे प्री कंडीशनिंग मास्क और पोस्ट शैम्पू कंडीशनिंग मास्क दोनों के बारे में जानिएगा। स्पाइरुलिना डीप कंडीशनिंग मास्क और राइस मिल्क प्रोटीन कंडीशनर, इन दोनों के बारे में आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो आपके लिए आवश्यक नहीं है, इनमें से कोई एक आप कर लेते हैं तो वो भी किसी फंक्शन के पहले, या आपने चूंकि हेयर कलर कराया है तो किसी ने सलाह दे दी है तो शैम्पू के बाद का कंडीशनर आपने ले लिया, ठीक है। तो गर्मी में फर्दर डैमेजेस आपके हो गए। फिर हेलमेट आपका, इतने समय से आप जो पहनते आ रहे हैं, ना उसे सैनिटाइज किया, ना उसे धूप में डिसइंफेक्ट किया आपने, ना उसे साफ करना, हर 7 दिन में एक बार आपकी ड्यूटी होती है, तो उसमें जो इन्फेक्शन ऑलरेडी है वो आपके स्कैल्प बिल्डअप, अगर आपको डैंड्रफ है, स्टिकी ड्राई डैंड्रफ की आपको समस्या रही है, तो उसके साथ मिलकर उस इन्फेक्शन को और भी बढ़ा देता है। तो आपको हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है क्योंकि ठंड में की गई गलतियों का हश्र गर्मी में और बढ़ गया और बालों की जड़ें कमज़ोर हो गई और बीच बीच से भी बाल आपके टूट रहे हैं। फिर खुले छोड़ना बालों को, तो गर्म हवा के थपेड़े ओपन हेयर पर भी आपके पड़ते हैं, तो यहाँ पर भी सारे क्यूटिकल्स आपके लिफ्टअप हो जाते हैं और बालों में ड्राइनेस आ जाती है। अब आ गया मॉनसून, मॉनसून आ गया, आपका एक एक बाल पतला हो चुका है क्योंकि उसमें मॉइस्चर, उसमें नमी नहीं है और उसका क्यूटिकल अपलिफ्ट हो गया है। क्यूटिकल वो दरवाज़ा है जो बाल, एक एक बाल के अंदर जाने का रास्ता निकाल देता है, मतलब बना देता है, तो ये वो रास्ता बन चुका है आपका। अब मॉनसून में हवा में नमी है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर खुद ब खुद है, आपके बाल प्यासे हैं, मॉइस्चर के प्यासे हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको तुरंत सोख लेते हैं और फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। कैसे फूल कर कुप्पा होते हैं, आपका तो क्यूटिकल लिफ्टेड अप है ना, तो जगह जगह से लिफ्टेड अप है तो हर जगह से मॉइस्चर चला गया और बाल फूल गया, एक एक बाल आपका फूल जाता है। आप कहते हैं बड़े ड्राई हेयर हो गए हैं, इतनी नमी है और कहीं ड्राइनेस नहीं लेकिन मेरे बाल ड्राई हैं और मेरा स्कैल्प ऑयली है, तो बाल इसलिए ड्राई हो गए। अब वो जब फूल गए उसमें एक टेंशन पैदा हो गया हर बाल में, तो जाहिर सी बात है कि वो बीच से टूट जाएंगे, वो सहन नहीं कर पाएंगे ना, मॉइस्चर जाता ही जाता जा रहा है, उसमें भर रहा है बुरी तरह से, वो उतना तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता है,
तो फिर वो टूट जाता है क्योंकि वो कमजोर है। तो मिड लेंथ ब्रेकेज आपकी शुरू हो जाती है, यहाँ से घनापन यहाँ तक और नीचे से पतलापन। ये समस्या मैक्सिमम लोगों में आती है और जड़ों से भी टूटने लग जाते हैं उनके बाल, जिनका स्कैल्प बिल्डअप ऑलरेडी है तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है और बाल जड़ से टूटने लग जाते हैं। और चूंकि कलर पिगमेंट्स तक आपके मॉनसून का अब असर जा रहा है तो बाल असमय सफेद भी होने लग जाएंगे। मैं इस समय आपसे नहीं कहूंगी कि ये टेम्पररी फेज है, ये टेम्पररी फेज नहीं है, क्योंकि मॉनसून दर मॉनसून आप अपने बाल खो रहे हैं। 5 मॉनसून पहले की कोई पिक आप आज ढूंढ लीजिए अपने मोबाइल गैलरी में जाकर और आप देखिए, और आज एक क्लिक पिक ले लीजिए और आप देखेंगे कि स्कैल्प पर एक अलग सा ही डेंस हेयर का पूरा पूरा लुक था और आज वो एकदम फ्लैट हो गया है। तो आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या खो रहे हैं। योर हेयर फॉल इज कन्वर्टिंग टू हेयर लॉस, और जितना हेयर लॉस हो गया है अभी उस वो कुछ भी नहीं है, आगे जो होगा वो आपको रुला देगा। तो ये एक स्ट्रेसफुल इवेंट आपके स्कैल्प के लिए है जो हर मौसम में आप उसे दे रहे हैं और इस वजह से ये सारी समस्या आ रही है। तो रुक जाइए और तूफान आने के पहले की तैयारी करना सीख लीजिए। ये जो एक वाक्य है, ये ऑनलाइन क्वेरीज जब आती हैं क्लाइंट्स की तो उनको ऑडियो क्लिप के द्वारा मैं ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि हर मौसम में जब आप एप्रोप्रिएट केयर अपने बालों की करेंगे तो जाकर अगले मौसम में, ठंड में करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको गर्मी में दिखाई देंगे, गर्मी में करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको मानसून में दिखाई देंगे, तो आपके बाल एकदम स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए तूफान आने के पहले की तैयारी, हर मौसम एक तूफान की तरह है आपके बेजान बालों के लिए, इसमें जान नहीं है, इसीलिए इन्हें बहुत प्यार से और बहुत सतर्कता से आपको ट्रीट करना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि ऑयलिंग चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो सही तरीके से हो, आप खुद ब खुद मसाज करने ना लग जाएं, सिर्फ ऑयल अप्लाई करना है। अगर ऑयल बहुत अच्छा है, तैल पाक विधि, आदित्य पाक विधि से बना हुआ है, तो वो आपके बालों को भरपूर पोषण देगा ही, आपके स्कैल्प हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा। वीक में 2 बार करना आवश्यक है। सॉफ्ट एक्सफोलिएशन हेना से या हेयर हेल्थ पैक से दें, पुरुष हो तो भी हेना लगाएं, आपका इसमें कोई ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मात्र 5-10 बाल सफेद हैं या आपके 10% बाल सफेद हैं तो आप हेना लगाइए, जिससे आपके 90% बाल हमेशा काले बने रहें। हेना मात्र महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि ये बहुत गुणकारी है। तो सॉफ्ट एक्सफोलिएशन दोनों से ही आप दे सकते हैं, प्री कंडीशनिंग मास्क, पोस्ट शैम्पू कंडीशनिंग मास्क, जितने भी हैं उनसे प्यार करना सीखिए और आपके हेयर केयर शेल्फ में वो ज़रूर होने चाहिए। इसके अलावा आपको समय से सोना है, समय से उठना है, फिक्स टाइम सोने का, फिक्स टाइम उठने का, फिक्स आर सोने के, आपके डाइट में क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं बाल अच्छे हो जाएं। आज दिन तक तो खाएं खाएं ही पूछा है कि क्या खाएं, क्या ना खाएं ये भी पूछ लीजिए। तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी बालों के स्वास्थ्य के लिए, गट हेल्थ वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। और इसके अलावा अंत में हेयर केयर मिस्टेक्स वीडियो जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिएगा और वो मिस्टेक्स आप दोहराएं ना ये ज़रूर ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, फॉलो करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।